सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मेरे पास देख पा रहे हो यहाँ पर बोल्ट की ड्रिफ्ट प्रो स्मार्ट वॉच रखी हुई है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इस स्मार्ट वॉच को अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको इस वॉच को अपने फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में आ जाना है एंड यहाँ पर आपको लिख देना है बोल्ट फिट। तो आप बोल्ट फिट लिख करके सर्च करोगे तो ये एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। इस वाली एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। इतना करने के पहले आपको स्मार्ट वॉच जो है आपकी उसको स्विच ऑन कर लेना है। स्विच ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, यहाँ पर जो स्मार्ट वॉच का लोगो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ऐड ए डिवाइस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके पहले आपको अपने फ़ोन का जो ब्लूटूथ है उसको ओपन कर लेना है। जैसे आप अपने ब्लूटूथ को ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर ये देखिए अपने स्मार्ट वॉच को सर्च कर रहा है ये फ़ोन। तो यहाँ पर थोड़ी देर में यहाँ पर जो स्मार्ट वॉच आ जाएगी। उसके बाद देख पा रहे हो यहाँ पर जो स्मार्ट वॉच लिख कर आ चुकी है, वॉच एस प्रो लिख करके आ चुका है। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए नीचे ऊपर लिखा हुआ है कनेक्टिंग, तो यहाँ पर कनेक्टिंग लिख के आ रहा है, यानी कि फ़ोन से ये वॉच जो है वो कनेक्ट हो रही है। तो अभी देख पा रहे हो ये कनेक्ट भी हो चुकी है, यहाँ पर कनेक्टेड लिख के आ चुका है, 38% बैटरी भी दिखा चुका है। तो सब कुछ पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुका है। तो अभी यहाँ पर ऊपर देखें पेयर एंड कनेक्ट, इस पर क्लिक कर देना है और पेयर पे क्लिक कर देना है। बस इतना सा काम करना था। अब आपकी वॉच जो है वो फ़ोन से कनेक्ट हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए ये वॉच का फेस दिख रहा है। अभी मैं वॉच फेस से यहाँ से क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ से भी इसको चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये चेंज हो चुका होगा। तो देखिए ये चेंज हो चुका है, इसको वाले लगाएंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए वो चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से जो भी आप अपने फ़ोन की सेटिंग में करोगे वो उस वॉच की सेटिंग में भी हो जाएगा। तो गाइज, इस तरीके से आपने इस स्मार्ट वॉच को जो है अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग में जा कर के आप यहाँ से जो है नोटिफिकेशन वगैरह सब, कॉलिंग की नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। पूरा पूरा सेटअप मैंने दूसरी वीडियो में बताया हुआ है, वहाँ से उस वीडियो को देख करके आप अपने फ़ोन के यानी कि इस स्मार्ट वॉच की पूरे फीचर्स के बारे में जान सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है जितने भी सेटिंग्स होती हैं उनके बारे में भी मैंने बताया हुआ है। तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से भी आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।